सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। एडमिशंस आर इन प्रोग्रेस फॉर एमपीसी बाईपीसी सीईसी एमईसी एमसेट एंड नीट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सुल्तान उल उलूम एजुकेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005। अफोर्डेबल फीस, स्पेशियस क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइजीनिक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सुल्तान उल उलूम जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स इंग्लिश मीडियम खाजीपुरा शाहली बंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूँ अब्दुल खादर। आइए 22 मई की देखते हैं टॉप 10 न्यूज़। दायनबाजों के इंतहा पसंद सहयूनी वजीर एतमन बिन गफीर ने एक बार फिर मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुकद्दस मुकाम मस्जिद अल अक्सा का किया मतनाज़ा दौरा। दौरे के दौरान दिया शरंगेज़ बयान, दावा किया इसराइल अल अक्सा का इंचार्ज, ये हमारे लिए सबसे अहम। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के एक तर्जुमान ने कहा, मस्जिद अक्सा के सहन में चोरों की दुरंदाजी से हकीकत नहीं होगी तब्दील। इंतहा पसंद इसराइली मिनिस्टर के दौरे मस्जिद अल अक्सा के इहाते की सऊदी अरब ने की शदीद मजम्मत। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा, इस तरह के इकदाम तमाम बैन अल-क़ौमी उसूलों और मुआहदों की खिलाफ वर्जी, इसके साथ साथ दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की अलामत। सऊदी वजारत हज ने किया ऐलान, हज सीजन से कबल उमरा परमिट की इजरा की आखिरी तारीख होगी 4 जून। वजारत हज ने कहा, आज़मीन हज की परवाज़ों का हो चुका आगाज, मस्जिदुल हरम में उनके खैर मकदम के लिए इंतजामात मुकम्मल। 15 ज़िलक़ादा से मस्जिदुल हरम सिर्फ आज़मीन हज के लिए होगी मख्तस। कनाडा के चीफ मिनिस्टर का अहदा संभालने के एक दिन बाद सिद्धरमैया ने बेंगलुरु पुलिस से उनके लिए ज़ीरो ट्रैफिक प्रोटोकॉल वापस लेने पर दिया जोर। सिद्धरमैया ने कहा, लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने किया ये फैसला। खुद सिद्धरमैया ने ट्वीट कर इस बात की दी इत्तला। मतनाज़ा फिल्म दी केरला स्टोरी को शायकीन की जानिब से मिल रहा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, सिर्फ 16 दिनों में ये फिल्म ने कर लिया 188 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस। बंगाल में फिल्म पर पाबंदी लगाई गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हटा दी गई पाबंदी। तेलंगाना में बीजेपी में नाराज सरगर्मियों के दरमियान सेंट्रल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने किया वाज़ह, तेलंगाना में बीजेपी सदर बंडी संजय की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। कहा, रियासती सदर को तब्दील करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद। साथ ही कहा, बीआरएस का मुतबादल सिर्फ बीजेपी। तेलंगाना में इस साल आखिर में असेंबली इंतखाबात, उम्मीदवारों के इंतखाब के तरीक़ेकार में कांग्रेस की तब्दीली, उन उम्मीदवारों को दी जाएगी टिकट जिनकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा। प्रियंका गांधी ने तेलंगाना उमूर के मुतालिक आगाही की हासिल, उम्मीदवारों के इंतखाब में सर्वे की दी हिदायत। 2018 असेंबली इंतखाबात के बाद बीआरएस में शमूलियत इख्तियार करने वाले 12 कांग्रेस के अरकान असेंबली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तबरदारी कर ली इख्तियार। कांग्रेस ने मुनहरिफ अरकान असेंबली को नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी दरख्वास्त। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रम मार्का और कांग्रेस एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्ज़ाम, धरानी पोर्टल के जरिए बीआरएस हुकूमत में शामिल अहम अफराद लाखों करोड़ के अराजी स्कैम्स में मुलविस। कायदीन ने कहा, धरानी पोर्टल बरसर इख्तदार पार्टी कायदीन को अराजियात हड़पने में मुआविन हुआ साबित। हैदराबाद के इलाके मनीगुड़ा में पेश आया अफसोसनाक वाकया, पार्सल की डिलीवरी के लिए पहुँचे अमेजोन डिलीवरी बॉय मोहम्मद इलियास ने कुत्ते के काटने के खौफ की वजह तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग, जिसमें वो हो गया शदीद जख्मी, अस्पताल में शरीक, हालात तश्वीशनाक। ये थी बीबीएन टॉप 10 न्यूज़ की 10 अहम खबरें। बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।